Hello everybody, my name is Vidur Sharma and I welcome you all on the Edumentors YouTube channel. So in today's video, let's discuss some of the prominent current affairs. And the first and foremost is PM Swanidhi scheme surpasses 50 lakh beneficiaries. So what is Swanidhi scheme? Actually during the time of Corona, you have seen a lot of lockdown. So in the lockdown time, the most effect was your street vendors impact. So in India, there is a ministry whose name is Ministry of Housing and Urban Affairs. So Ministry of Housing and Urban Affairs, they have come with a very prominent scheme known as the PM Swanidhi scheme, right? Abhi jo PM Swanidhi scheme hai, ye basically jo aapke street vendors hote hain, unhe basically 10,000 tak ka aapka ek tarike se loan service provide kara denge, financial services provide kara denge, taki bhai jaise jinka bhai kaam ekdam se band ho gaya tha, right? Unke paas bilkul corona ke time pe ek tarike se लॉकडाउन में वो कुछ काम ही नहीं कर पाए, सो दे कैन स्टार्ट यू नो देयर वेंचर अगेन. तो द स्ट्रीट वेंडर हैव लॉन्ग बीन द एसेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटर टू द अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमी, राइट? तो वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं. तो ये स्कीम आपकी उन सब के लिए थी, राइट? तो PM स्वनिधि स्कीम बेसिकली प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि बेसिकली टू प्रोवाइड द फंड, राइट? अब इसमें आपने देखा 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को इसका फायदा हुआ है. कौन सी मिनिस्ट्री देती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ये आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट? सो यू कैन ऑल्सो सी द क्रिएटिव ऑल्सो PM स्वनिधि कब स्टार्ट हुई थी? 2020 में स्टार्ट हुई थी. 2020-21 के बजट में इट वॉज देयर, राइट? PM स्वनिधि योजना किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती है. चलते हैं आगे टू द नेक्स्ट करेंट अफेयर, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर रिनोल्ड पश्मीना क्राफ्ट रिसीव GI टैग. जम्मू एंड कश्मीर का जो पश्मीना आपका क्राफ्ट है, ठीक है, उसे क्या मिल गया है? उसे आपका GI टैग मिल गया है. दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है? अब पश्मीना, आपने पश्मीना शॉल, पश्मीना क्राफ्ट सुना होगा, ये बेसिकली जो ओरिजिन है इसका, ठीक है, जो आपका ओल्ड ट्रेडिशनल पश्मीना क्राफ्ट है, ये जम्मू कश्मीर के कठुआ डिस्ट्रिक्ट से आपका इसका ओरिजिन माना जाता है, ठीक है? और ड्यू टू इट्स यू नो यूनिक यू नो यूनिक बेसिकली क्राफ्ट, इसकी यूनिकनेस की वजह से इसे दे दिया गया है अभी रिसेंटली GI टैग, दैट इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग किसी भी उस चीज़ को प्रोवाइड कराता दिया जाता है जो उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में स्पेशल, राइट? जैसे आपने दार्जिलिंग टी को मिला हुआ है, राइट? तो उससे फ़ायदा ये होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वो अक्रॉस द ग्लोब इम्पॉर्टेंस बढ़ जाती है, राइट? उसके प्रिजर्वेशन का काम शुरू हो जाता है, राइट? और ये GI टैग है, ये इनिशियली 10 ईयर्स के लिए प्रोवाइड किया जाता है. 10 ईयर्स के बाद फिर उसे चेक करते हैं कि ओके इस प्रोडक्ट की यूनिकनेस अभी भी वैसी की वैसी है कि नहीं. इफ़ इट इज़ सेम तो उसे कंटिन्यू कर देते हैं, राइट? सो दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. चलते हैं आगे टू द नेक्स्ट करेंट अफेयर, दैट इज़ द 8th कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. रिसेंटली यू नो दिस टर्म इज़ बीन कमिंग अप बाय द इंटरनेशनल जियोलॉजिस्ट एंड द सिस्मोलॉजिस्ट, और इन्होंने बोला है दैट मे बी देयर कैन बी अ रिलेटिवली अननोन लैंड मास विच इज समर्ज बीनीथ द पैसिफिक ओशन, और इसे नाम दिया जा रहा है क्या? 8th कॉन्टिनेंट का. एंड दिस 8th कॉन्टिनेंट इज नोन एज जिया लैंडिया, राइट? कहाँ पर है ये अननोन लैंड मास? ये आपका पैसिफिक ओशन में है, राइट? दिस पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर. तो अभी इसके ऊपर रिसर्चे चल रहे हैं, वैन इट विल बी प्रूव्ड then we can name it as the 8th continent of the world. You can also see the location of this 8th continent. तो यहाँ पर हमारा ऑस्ट्रेलिया, this all is Pacific Ocean, right? Pacific Ocean. तो Pacific Ocean में आपका ये न्यूजीलैंड हो गया, और न्यूजीलैंड के इधर आस पास ये सब यहाँ पर एक submerged आपका एक continent है, that is known as Zealandia. तो you can you know relate the term with the New Zealand. And this is believed to be the 8th continent if all the things, all the researches will be completed. Right now it is the submerged in the Pacific Ocean. So Pacific Ocean mein submerged part hai, right? It is next to Australia, right? So this point you also remember. Chalte hain aage. Lieutenant General Raghu Srinivas as a new BRO chief. So BRO aapko pata hai, Border Road Organization. Border रोड ऑर्गेनाइजेशन. ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन इस्टैब्लिश्ड इन द ईयर
1960. Right? This organization has been established in the year 1960. और ये border road organization है, इसके बारे में ध्यान रखना है that this border road organization, this BRO, which has been established in 1960, इसका headquarter कहाँ पर है? New Delhi में. जितने भी border area के along installations होती हैं, projects बनते हैं, highways बनते हैं, सब BRO बनाता है. और ये Ministry of Defence के अंडर आती है. It comes under Ministry of Defence. तो ध्यान रखना है जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अभी जो नए चीफ बने हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल राघु श्रीनिवासन. ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल राघु श्रीनिवासन, ही हैज बिकम यू नो द न्यू चीफ ऑफ बीआर. सो एवरीथिंग आई हैव टोल्ड यू अबाउट बीआर, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर. यू कैन सी द सिंबल ऑफ बीआर ऑल्सो. ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मैंने बताया 1960 है. मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है. जितना भी आपने बॉर्डर एरिया के अलॉन्ग डेवलपमेंट देखा होगा, चाहे हाईवेज हो, ठीक है, ब्रिजेस हो, ये सब बीआरओ कोऑर्डिनेट करता है. दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन. नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. इंडियन एयरफोर्स टू स्टॉप फ्लाइंग MiG-21 बाई 2025. दिस इज अ वेरी गुड न्यूज़. आपने देखा होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी लॉस आर ब्रेव पायलट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द रिलेटेंट टेक्नोलॉजीज. हमने रशिया से MiG-21 प्लेन्स लिए थे और अब जो इंडियन एयरफोर्स चीफ मार्शल हैं आपके वी आर चौधरी, उन्होंने बोला है दैट बाई 2025 वी आर गोइंग टू रिप्लेस यू नो मिक्स. ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा कि हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ चल रहे हैं डिफेंस के. राइट, हम कोशिश कर रहे हैं कि पुराने जितने भी एयरक्राफ्ट हैं उन्हें रिप्लेस कर दें बाय द न्यू इंडिजीनियस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट जो इंडिया खुद बना रही है. राइट, सो वी हैव डिसाइडेड कि 2025 तक हम मिग को रिप्लेस कर लें जो हमने रशिया से लिए हुए थे. राइट, यू ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग. अभी रिसेंटली 8 अक्टूबर को वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट व्हाट? वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट एयरफोर्स डे. तो एयरफोर्स डे हम सेलिब्रेट करने वाले हैं. 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करने वाले हैं. दिस पॉइंट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर. चलते हैं आगे टू दैट. यू कैन सी दिस इमेज, दिस इज ऑफ मिग 21 एंड वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट बाई 2025. ठीक है, सो ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. आई होप यू डू लाइक दिस सेशन. सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गुड लक एंड हैव अ नाइस डे. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल दी अपडेट्स. राइट.